अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देवर जी, ये क्या किया आपने? मैंने कहा ना भाभी, आपसे मुझे नहीं खाना खाना है, क्यों पीछे पड़ी आप मेरे? उठिए आप देवर। अन्ना, मम्मी जी देखिए बिट्टू संभल के क्या है आज बिट्टू आज। अरे ले जाइए इसे, नहीं खाना मुझे। देवर जी, लेकिन क्यों आप जिद कर रहे? देखिए, अगर आपको खाना नहीं खाना तो आप मत खाइए, लेकिन आपको दवा तो खाना पड़ेगा ना। अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो क्या मर जाऊंगा ना? तो मर जाने दीजिए। वैसे भी अब भले भी मेरे साथ ही नहीं है तो ठीक है, क्या करूंगा, नहीं जीना मुझे। काय कह रहे हो तुम? अगर अपनी अम्मा के सामने मरने की बात कर रहे हो? इतना भी ख्याल नहीं आया तुमका कि तुम्हें अम्मा पे का बीतेगी? अपनी पत्नी के लिए मर सकते हो, लेकिन अपनी अम्मा के लिए जी नहीं सकते तुम? हाँ, मेरी जिंदगी किसी के काम की नहीं रही है मम्मी, बोझ बन चुका हूँ मैं। जैसे पल्लवी ने अपने सर से उतार फेंका ना मुझे, हाँ आप भी फेंक दीजिए, नहीं तो पछताएंगी आप। फेंक दीजिए, चाहिए। ये खाना तो आपको खाना ही होगा अर्नब जी, क्योंकि आपको जिंदा रहना है, ठीक होना, अपने पैरों पर खड़े होना है हमारी खातिर। ये सारा खाना हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, अपने हाथों से। तो फिर अपने हाथों से खिला भी दीजिए पल्लवी जी, खाने का स्वाद और बढ़ जाए। जी पल्लू, कोई शर्म कोई लिहाज है तुझमें? तू अर्नब के सामने ये सब कर रही है पल्लू? हमरा अर्नब भैया भूखा है और तो दुश्मन को अपने हाथों से खाना खिला रही है। हाँ खिला रहे, लेकिन आपके बेटे के मुंह से निवाला छीन कर नहीं खिला रहे। अगर ये हमारे पीछे पागल हुआ पड़ा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये सब हमें मत बताइए। आपका बेटा खाए या ना खाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नब, देखा तुमने, तुम इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो अर्नब, जिससे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नब, आंखें खोलो अपनी और सच्चाई देखो। खिलाओ मुझे खाना। तुम खिलाओ।
अर्नब जी, भले ही आपको खिलाने वाले हाथ हमारे नहीं है, लेकिन आप खाना खा रहे हैं, इतना ही काफी है। बहुरिया, ए बहुरिया, मम्मी जी, ना बिटिया ना, एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया। हम समझ सकते हैं तुमने लिए ये सब कितना पीड़ादायक है, फिर भी तुम किए जा रही हो। ये देखना, इसका फल तुमका भगवान जी जरूर देंगे, बहुत जल्दी देंगे। लेकिन मम्मी जी, हम अर्नब जी को इस हाल में नहीं देख सकते। ना ही ना रोना बहुरिया, ना ही रोना। ये जो मुसीबत के बाद अल है ना, वो बहुत जल्दी छट जाएंगे। और विश्वास करो, हमें पूरा विश्वास है भगवान जी पे। तुम हिम्मत नहीं हारना, कभो नहीं हारना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें और अर्नब को कभो कौन भी अलग नहीं कर पाएगा, ये विश्वास रखना। हम भी बहुरे, जैसा आपने कहा था, अर्नब और पल्लवी के डिवोर्स के पेपर्स। थैंक यू वकील साहब। शिवा, तू पल्लवी के साथ डॉक्टर के पास तभी जाना जब इन तलाक के कागजों पर वो साइन कर दे। दो नावों में एक साथ सवारी नहीं कर सकती वो, समझ रहा है ना? मैं अंदर ही रख देती हूँ। हमारे और अर्नब जी के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। काफी परेशानी हो रही होगी ना? हम कर देते हैं। मत कर शिवा। भाई ये तुम्हारे सोते ले ही सही, इतना तो कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हम ले चलते हैं तुम्हें। कहाँ लेकर जा रहा है शिवा? कहाँ लेके जा रहा है शिवा? छोड़ मुझे शिवा, मैं कह रहा हूँ छोड़। कहाँ लेके जा रहा है वह? छोड़। अंगब को यहाँ काहे लाए हो? बताते हैं, सबको बताते हैं। इन पेपर्स पर साइन चाहिए। पल्लवी जी और अर्नब के। इस चीज के पेपर्स? तेरे और पल्लवी जी के तलाक के पेपर्स। जी को वैसे तो हम अपने दिल से अपना मान ही चुके हैं, लेकिन एक रस्म है वो निभानी है, तो उसे निभाने के लिए उनके नाम के आगे से हमें तेरा नाम हटाना है। नहीं,
से समझा रहा हूँ शिवा, अपनी हाथ पार मत कर। कॉलर छोड़, नहीं तो कॉलर छोड़ मेरा, नहीं तो क्या? क्या कर रहे हो तुम दोनों? शिवा छोड़ो, छोड़ो अर्णव को, दूर हटाओ हमरे बिटवा से। हमरी और मुसीबतें ना ही बढ़ाओ। पवित्रा, तुम अपनी बहन से बहुत अलग हो, बहुत ही। बार बार लगातार हमने अर्णव का दिल दुखाया जा रही है, और तुम्हारा कौन रिश्ता ना भी होकर रिश्ते निभाए रहे हो, हमने पिटवा को बचाए रहे। तो कल भी पल्लवी के बिना कुछ भी नहीं था अर्णव, और आज भी कुछ भी नहीं है। आज भी अपनी साली के पल्लू में छिपा हुआ बैठा है। छिपा, अगर दम है अर्णव तो खड़ा हो और लड़ हमसे। उठ अर्णव, चल रहने दे, रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। अपने पति से तलाक के पेपर्स पर साइन करवाइए, वरना किडनी भूल जाइए। तलाक के कागजों पर साइन कीजिए। पल्लवी, साइन कीजिए। पहले तुम करो। देखना चाहता हूं मैं, कैसे साइन करती हो तुम इन पे। कम ऑन, करो, साइन करो। ये तो करेगी ना, कहे की इका कछु पड़ी ना ही है। ए अन्ना, तुम भी यह दस्तखत करके छुटकारा पा लो, धोखेबाज लड़की है। मैं चेंज कर लेता हूँ, पापा लेके चलिए। पापा,
पल्लवी जी आपका पति बहाने मार रहा है क्योंकि वो ये नहीं जानता कि उसे हर एक पल उसकी मौत के करीब लेकर जा रहा है। लेकिन आप तो जानती है ना, अर्णव को रोकिए और तलाक के कागजात पर साइन करवाइए, वरना ये भी हो सकता है कि मेरे बेटे का मन बदल जाए और वो इस सौदे से मुकर जाए। अर्णव जी, कपड़े वपड़े बाद में बदल लीजिएगा, पहले इन पर साइन कीजिए। पल्लवी, तुम तलाक लेना चाहती हो मुझसे? सच में? जी पाओगी मेरे बिना? हाँ, जी लेंगे। नहीं, तू झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूं नहीं जी पाओगी, बहुत पछताओगी। प्लीज पल्लवी, मान जाओ, अभी भी वक्त है। मुझे बताओ क्या बात है, क्या सच्चाई है, प्लीज। सच जाना चाहते हैं ना? हम आपको बताते हैं। खड़े होइए और हमारे पास चलकर आइए। सोच क्या रहे हैं? अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। खड़े होइए और हमारे पास चलकर आइए। अरे नहीं अर्णव, मना कर है तुमको। जब अपना खुद का बोझ नहीं उठा सकते तो हमारी जिम्मेदारी क्या खाक उठाओगे? सच्चाई जानना चाहते थे ना? यही है सच्चाई। आप हमारे लायक नहीं हैं।
और हमें आपसे तलाक चाहिए। इसीलिए चुपचाप इन कागजों पर साइन कीजिए अभी के अभी। हम और इंतजार नहीं कर सकते। एक साथ हाथ में हाथ डालकर इस रिश्ते में कदम रखा था हमने, तो अगर ये मिट ही रहा तो इसको साथ में मिटाएंगे। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।